जय श्री राम नमः सिद्धय ओम नमः सिद्ध नमः वरिहंतानम नमः सिद्धानम नमः आयुजीआन नमः पुवंचायान बोलय समसाहु नमः शमै साराई । स्वानु त्या जकास्ति । स व ा व ा ई वावाई । स र व ा व ा न ् त ई, र ् श ि पेज नंबर चार सौ उन्तीस फोर ट्वेंटी नाइन त्रेपन और चौवन नंबर ले छे त्रेपन फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर सबको ऐसा लगता है कि टोडर बनारसी दास जी ने क्या केवल अनुभव ही अनुभव की बातें लिखी <laughs> है ना? तो हम आज देखेंगे कि उन्होंने और क्या क्या भी लिखा है अनुभव के साथ साथ क्या होता है निश्चय व्यवहार का सुमेल कैसा होता है सोनगढ़ का नाम आते से ही सबको ऐसा लगता है तो बस आत्मा आत्मा की बातें करते हैं और इनके पास और किसी बात तो है नहीं। है नहीं ना ऐसा लगता है ना जिनों को ऐसा प्रश्न हो उनको गुरुदेव श्री के द्वारा उपदेशित श्रावक धर्म प्रकाश पढ़ना चाहिए नंबर एक आप समझ सुनकर के भी बड़ा अचंबा होगा जब तो पहला पंचकल्याणक हुआ था पहला पंचकल्याणक तो गुरुदेव श्री ने दान अधिकार पे प्रवचन किए थे <laughs> दान पे पंचाय पंच अधिकार पन, प, पन, और उस पंच कल्याण में यहाँ के तो थे ही नहीं मही मही के थे सारे खैर अभी हमें छन ले रहे हैं आपको बहुत आनंद आएगा जी? यदि हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो श्रावक के 21 गुण होते हैं जो उनके जीवन में आते हैं आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो नहीं आएंगे ये भी मैं कह रहा हूं। और आत्मा का अनुभव करोगे तो श्रावक के 21 गुण आएंगे बहुत बड़ा चैप्टर है आज का इसीलिए मैं ज्यादा भूमिका नहीं बना रहा हूं अब नौ एक गुण अरुबावीस अवक सारी दुनिया में बाईस अवक्स का वर्णन इधर से आया है बनारसी दास जी से जिसे हम बहुत पढ़ते हैं और पुरानी पुस्तकों में भी जो मिलता है वो यहीं से लिया देखो के संग्रह त्याग सो सोभे श्रावक पक्ष क्या कहे सोभे बाईस प्रकार के अवक्ष के त्याग से शोभा पाता है <laughs> और 21 प्रकार के के होने चाहिए कैसे होंगे आइए अब यहीं से पढ़ते जाते हैं फटाफट आज का पार्ट बहुत बड़ा है इक्कीस पॉइंट पूरे करने हैं डेढ़ पौने दो मिनट है एक पॉइंट के लिए कोशिश करूंगा कि एक पॉइंट में एक दृष्टांत दूं और आगे बढ़ू और नहीं तो मुझे 10-15-25 दिन लगेंगे इसको पढ़ाने के लिए बड़ी मुसीबत है मेरे साथ लज्जा बंत दया बंत प्रशंत प्रतीत बंत पर दोष को ढकैया पर वो गारी है मधुर छंद है मधुर ए बेटे बीच में ऐसा क्यों करा तुमने तो अच्छे बैठे बेटे बिल्कुल सिस्टमेटिक एक के पीछे एक बिल्कुल बढ़िया बहुत अच्छा ओम। लज्जा बंद दृष्टि में जब प्रभुता दिखाई देती है और पर्याय में पामरता दिखाई देती है तो लज्जा आती है सम्यक दृष्टि का पंचम गुण स्थान का पहला लक्षण है लज्जा बंद दृष्टि में आकरता है और बोलता है मैं करता हूं मैंने ये किया मैंने ये किया लज्जा आती है दृष्टि में अब और हम कह रहे हैं हमने शादी करी हमने पसी करा हमने भोजन किया हमने हमने छह खंड भोगे लज्जा आती है अब बताओ तो लज्जा कब आई ध्रुव देखे अपने तो लज्जा आती ही नहीं अपने क्यों नहीं आती लज्जा पंडित जी हमने कोई हराम को नहीं खा रहे आप कमाई हमने कैसे मेहनत करके कमाए तो हम तो गर्व से खाएंगे समझ आ गया वो क्या सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं ये कमाई मेरी नहीं है ये पूर्व पुण्य के उदय की उदय की कमाई और पुतगल के परिणमन को मैं अपना मानू ये तो संभव नहीं है लेकिन अपना कहना पड़ता है लोग व्यवहार में लज्जा आती है गुरुदेव श्री को लज्जा आती थी <laughs> जितनी बार भी उनको अभिनंदन ग्रंथ या कोई अभिनंदन समारोह हुआ जितनी बार भी आप कभी उनके फोटो देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली में बॉम्बे में उन्हें सम्मान किया था, भेंट किया था था तो गुरुदेव ने हाथ तक नहीं बढ़ाए और ग्रंथ समर्पण किया ऐसे बैठे सोनगढ़ में हर पर्व के समय समझ लीजिए दीपावली जैसे पर्व होते ना ऐसे पर्व के समय पूरे गांव की पंचायत के लोग बड़े बुजुर्ग गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आते थे तो गुरुदेव ऐसे बराजे रहते थे और वे लोग तो महिमा करते थे कहा दो पांच सौ लोग थे इस गांव में और कहाँ आज इतनी बसीगत हो गई इतने बढ़िया हमारी सुविधाएं हो गई आज हमारा पूरा सोनगढ़ चमन हो गया बहुत छोटी जगह है सोनगढ़ कोमराला से भी छोटी है उम्राला से बहुत छोटी है वह तो, तो महिमा गाते थे गांव वाले और जब चले जाते थे तो गुरुदेव बोले अरे रे, मैं इस गांव की प्रभाव का प्रसिद्धि का विकास का करता हूं मैंने किया मेरे में से हुआ ऐसा कहकर मुझे गाली मत दो लज्जा आती है ज्ञानियों को लज्जा आती है लज्जा पॉइंट समझ गये? ट्रिक ध्रुव स्वभाव प्रभु स्वभाव परमात्मा स्वभाव भावी सिद्ध बोलो जो भाभी कोई काम करना पड़े ऐसा पर्याय में तो लज्जा आती है ध्यान रखना ये लज्जा तुम्हारी वो वो लज्जा तो बहुत दूर किया जो मैं बता रहा हूँ ये अलग प्रकार की लज्जा है एक पॉइंट हुआ दयावंत दयावंत प्रत्येक जीव परमात्मा है और अपने परमात्मा तत्व की विराधना करके एक इंद्री दो इंद्री को प्राप्त हो गया दया हारी ध्यान रखना निश्चय व्यवहार का सुमेल लिखा है अज्ञानियों की दया दया नहीं है क्या कहा अज्ञानियों की दया दया नहीं है अभी मैं वो वाला प्रकरण खोलना नहीं चाह रहा अज्ञानी वाला अज्ञानी के व्रतोपास व्रत उपवास उपास नहीं है अज्ञानियों के उपवास को लंघन कहा है के उपवास को का उदय लिखा है क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अज्ञानियों के उपवास कैसे हैं क्या पता ज्ञानी उपवास करें तो भोगांतराय नहीं कहा पढ़ना <laughs> और जब भोगों का अंतराय होना होता है तो अज्ञानी <laughs> को बॉम्बे में नील के था? वो शांति भाई जी जवेरी उनका बहुत ऊंचा माला है ना ऊपर बहुत ऊंचा मकान है वो कितना तीस माला कितना माला है सो सबसे ऊपर ले जाके छत पर से वो समुद्र दिखाया समुद्र शांति भाई जबेरी ने खुद तो उनको लग रहा था गुरुदेव देखेंगे तो बढ़िया उससे देखेंगे बढ़िया अरे समझ अरे। वे ये सोच थे है इस एंगल से दिखा रहे थे वो और गुरुदेव श्री देखते थे बोले अर्रर एक पानी ना बूंद मा के जीव भाभी ना भगवान भूतकाल ना माता पिता आहा, आहा, आ हा हा क्या नहीं विराध नाना फलमा हा कहीं आ गुजराती बोली समझ नहीं आई होगी बच्चों को हाँ एक बच्ची को आ गया यार गुजरात की है ना इसलिए आ गया <laughs> गुजरात की बच्ची को समझ में आ गया समझ में आया भविष्य के अनंत सिद्ध भगवान है समुद्र के पानी में अनशने पानी में और भूतकाल के हमारे अनंत माता पिता हैं भूतकाल के अनंत तो संतान है हमारी भूतकाल की और भगवान आत्मा हुए भूल करके कहा अभी पढ़िया आ, कहाँ आ गए बेचारे ऐसे बोले थे गुरुदेव बिल्कुल ऐसी दया आती थी लज्जा बंत दया बंत प्रशंत प्रशंत प्रशांत स्वभाव के आश्रय से कसायों का उपसमन होता है तो प्रशांत होते ध्यान रखना मैं सबको एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा हूं एक ही जगह से स्टार्ट होंगे पूरे के पूरे प्रशांत प्रशांत प्रशम संवेद अनुकंपा आस्तिक्य प्रशम कसाए शांत हो गई हैं। कसाएं क्यों शांत हो गई है? यदि पंचम गुण स्थान ले श्रावक का तो दो कसा का चौकड़ी का वा वाह हुआ है शांत हो गए अब इसमें बोलना तो बहुत है एक घंटा भी बोलू तो कम है क्यों कर्णानियों से सुमेल बैठाओ और चरणानियों से सुमेल बैठाओ बहुत अंतर दिखाई देगा मैंने कहा था आपको सारी दुनिया कहेगी इन्हें बहुत गुस्सा आता है और हम कह रहे वे प्रशांत हैं एक घंटा पढ़ाऊं तो भी कम है इस चैप्टर को अभी जो 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 बोल रहा हूं क्यों देव सास गुरु के पक्ष में होने वाला क्रोध वो प्रशम है और अपने को कोई पानी ना पिलाए उस समय गुस्सा आना ये अप्रशम अपने को कोई भोजन ना कराए अनुकूलता ना दे उस समय भले वो शांत दिखाई दे शांत शांत दिखाई दे और अंदर में ऐसा लग रहा है कहा आ गए बस गर्मी लग रही है पानी तक नहीं है भोजन तक नहीं है तो अपने इंद्रियों के लिए जो तड़पता है वो अनंतानुबंधी है अपने इंद्रियों की सुख सुविधाओं के लिए तड़पता हो राग देश करता हो क्लेश करता हो अंदर में सोचता हो अच्छा शब्द है उद्विग्न हो सकता है ऊपर से तो मर्यादा है लज्जा है लोग व्यवहार है समाज है कोई क्या कहेगा आप हो सकता है ऊपर से ढांक लो लेकिन आप प्रशांत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदर में उद्विग्न है उत्तम क्षमा के प्रकरण में बढ़िया शब्द आया है खेद आनो, आया, तो गाली सुन मन खेद खेद उद्विग्नता दयावंत प्रशंत प्रशंत मैं अटक रहा हूं प्रशांत कह करके दो कसाय चौकड़ी या एक कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर क्या कहते हैं आपको समुद्र चुल्लू वर रह गया मैंने उसका जो राग देश दिख रहा है ना जो कुछ लड़ना झगड़ना चिल्लाना डांटना फटकारना दिख रहा है वो चुल्लुवर है और इनका है समुद्र बराबर अज्ञानी का व्यवहार समुद्र बराबर कसाय का दिख नहीं रहा है ऊपर से और सम्यक दृष्टि का है प्रशंस अनुकंपा आज से क्या गजब हो गया तो मेहनत है इसमें थोड़ी सी प्रतीत, बंत। प्रतीत, बंत। <laughs> प्रतीत बंत। इस रावक का बाहर से कैसे दिखाई देगा कि अंदर में सम्यक दर्शन है प्रतीति 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 प्रती तुम कैसे कहते हो कि उसे शुद्धात्मा की प्रतीति है मैं भगवान आत्मा हूं उसे प्रतीति है उसे त्रिकाली भगवान आत्मा का अनुभव है तुम्हें कैसे दिखाई दे कि सुनो वो जो अपने को भगवान अनुभव करता है वो सभी को भगवान अनुभव करता है प्रतीत बन प्रतीत है वो क्या समझ में आ रहा कुछ अपने समान ही प्रभु ने हर जीव को पाया आशीष है तो इसी से ना हाथ उठाया प्रतिद्वंद समझ गए थोड़ी लोक व्यवहार की भाषा में समझाऊं मैं तो एक कठिन भाषा बता रहा हूं थोड़ी सी समझदारों के लिए तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया आराम से प्रतिद्वंद जाके पैर ना फटे ये तो कहावत सुनी होगी बोगा जाने पीर पर आई इसका मतलब संवेदनशील हमें उस कष्ट का अनुभव है तो हमें तुम्हारे प्रति भी लगता बेटा कष्ट होता है आपने देखा बुजुर्ग लोगों के पास आप जाओ अरे बेटा गर्मी पड़ रही पानी पी रही नहीं नहीं अभी पी गया अरे अभी पी बस का हो था? एक गिलास और पी ले देखा कभी <laughs> बड़ी दादी वहां से फोन करके बोल रही है बच्चे को बेटा गर्मी बढ़ रही पानी इन्हें दस्टा जंगी नहीं बता दिया क्यों प्रतिदी बेटा अभी तुम जमानी की जोश में नहीं पियोगे पानी लगे रहोगे लगे रहोगे पित्त बढ़ जाएगा गर्मी बढ़ जाएगी गला लग जाएगा स्वस्थ बने रहो जो ग्रुप सुबह में जो बच्चे जाते हैं पढ़ाने के लिए अपने शास्त्री तब तो मैं कुछ नहीं पढ़ाता उस दिन जब उनको विदा करती हैं उद्घाटन समारोह में मैं उदघाटन समारोह में उनसे ये कहता हूँ बेटे वहां गर्मी होगी पंखा नहीं हो तो क्या करोगे पानी क्या सब करोगे क्या खाओगे क्या पियोगे क्या लोगे क्या नहीं लोगे हलवा बनाए तो मना कर देना और उनसे कहना हमें तो छाछ चाहिए वे रबड़ी खिलाए वो मत खाना छाछ पीना तो वहां पर केरी का पना बनवा लेना वो क्या कहला था है का पानी ले लेना बेटे ये ये चीजें मत खाना ये खाना ताकि हमें इस बात की चिंता ना रहे कि तुम बीमार हो गए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देखे होंगे शास्त्री के बच्चे बहुत उत्साह में जाते हैं ना पहली बार दस लक्षण में तो तीसरे चौथे दिन गला बैठ जाता है खूब लगे जोर जोर से जोर जोर से पूरा विधान <laughs> और फिर प्रवचन और फिर शाम को बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हाँ कोई बात कोई बात प्रतीत बंद समझ में आया <laughs> प्रती मतलब बेटा एक भजन चलता था सोनगढ़ में गुरुवर की आंख भरे गुरुवार को में आंसू क्यों भरेंगे ज्ञानियों को भाई रे भाई सुना था ना हाँ भाई भाभी जन तेरे दुख को देख कर ज्ञानी की आंख भरे आवे क्यों बेटा हमें मालूम है जो राग तुम कर रहे इसकी सजा बहुत भयंकर है तुम जो गलती कर रहे बेटा भुगतोगे बहुत पीड़ा होगी ये प्रतीबंध उसे राग की भी प्रतीति है तो राग के फल की भी प्रतीति है द्वेष की प्रतीति है तो द्वेष के फल की भी प्रतीति है और आत्मा की प्रतीति है तो आत्मा की प्रतीति का फल की भी प्रतीति पॉइंट पकड़ में आ गया इसलिए प्रतीति अब आगे चलो पर दोष को ढकैया <laughs> क्या बोला हमने एक बार पहले गालो इसको फिर से एक लाइन लज्जा बंत दया बंत अच्छा अब यहाँ नहीं हुई है पढ़ेंगे जब आ जाए जब पढ़ेंगे पर दोष को ढकैया दूसरों का दोष क्यों ढाकेगा ये सब लोग सुनना सभी लोग ध्यान से में जो लोग ये सोचते हैं हम ममोक्ष हुए हैं उनका पहला कर्तव्य पर के ढकैया ढकैया नहीं मिटैया ढकाओ नहीं मिटाओ बिल्कुल मिटाओ इससे मेरा बहुत प्रेम है इसने मैंने यही कह दिया आज बहुत बढ़िया लगा तीनों स्थिति सुन रहे वहीं से सड़क पर से और तुमने आज डिक्लेयर भी करा मुझे बड़ी खुशी हुई ऐसी बच्चा तो चाहिए हमें अब दिक्कत क्या है तुमसे हम अलग से मिल नहीं सकते जी गाद यहाँ है फिर मिलेंगे कब हम कब इन्हें निर्देश दें नहीं तो मैं सही कह रहा हूँ मुझे तो तीन दिन की पूरी ट्रेनिंग देनी है विधान भक्ति एक एक चीज और, ना तुम्हें कह देने। ना और ना पब्लिक को रस आए तो कह देना रियल कह रहा हूँ रियल बिल्कुल हृदय में है मैंने देखे हैं वो पुराने विधान पुराने जमाने के वक्ता तुम लोग गाए थे ना तो तुम्हें मेहनत ज्यादा होती है गाते नहीं थे उनसे मेहनत कराते थे अब तुमने के नई नई धुन लगा देते ना तो तुम्हें तो गाना पड़ती है तेज गा नहीं पाते मैंने इतना बढ़िया विधान सुना है आप हमें ले गए थे पहली बार अचल जी आप हम पहली बार ले गए थे आप ही ले गए थे खनिया नाना आपकी गलती है <laughs> जिनकी पहली बार ये ले गए थे चौरानवे में हमें हमारा हमा कोई नाम नहीं पत्रिका नहीं कच नहीं कोई मतलब भी नहीं था हम तो भाई इनके पास आए थे तो इन्हने कही नहीं भाई साहब अकेले हैं और मंदिर का काम है विधान है तो चलो तो जे हो दीदी नायक और जी हमें के ले गए तो भाई अपन सुने इतना बढ़िया विधान सुना उन्होंने छह डाला की धुने बलताते थे, थे तो वो सब महिलाएं झट झट गा देती थी फटाफट इतना बढ़िया लगता था सुनने में हम बता नहीं सकते आप जितनी फेमस धुने छहर डाला आदि की बे लगाओ फिर देखो कैसे गाते हैं लोग बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सुधार है और भी सुधार की जरूरत है बता दूंगा बाद में हाँ भैया बिल्कुल कराएंगे भैया तुमसे आगे फैलाने हमें क्या करने हमें तो सो नहीं पाएंगे, पाएंगे नहीं ठीक है आगे चलो। पर दोस्त को ढकैया ढकैया नहीं मिटैया <laughs> सभी लोग सोचना इसमें बहुत सोचना बहुत सोचना बहुत ही सोचना चाहे वो सोनगढ़ का पंचकल्याणक हो चाहे किसी की बात हो आप रहा रहा एक पत्र उसे पर्सनल लिख दो ना मेरी प्रतिज्ञा है जिनवाणी के सामने कह रहा हूं एक छोटा सा भी बच्चा मेरे को गलती बताता मैंने कान पकड़े मैं जिनवाणी के सामने कह रहा हूं मैंने कान पकड़े मैंने खनिया थाना के हॉस्टल में एक बात की डिक्लेरेशन की थी जो बच्चा सत्य बोलेगा वो कुछ भी गलती करेगा मैं उसे पनिशमेंट नहीं दूंगा कुछ भी गलती करेगा उसे पनिशमेंट नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा मेरी प्रतिज्ञा है एक कक्षा छ का बच्चा आया मेरे पास छोटा सा बच्चा कक्षा का पंडित जी सॉरी मैंने बोलो क्या हुआ सी एफ एल टूट गई टूट जाएगी तोड़ी है कि टूट गई फिर वो बोले हम गेंद खेल रहे थे कमरा में तो टूट गई सही बोला उसने अब सवा की सी एफ एल उस जमाने में एकदम मुझे मूड खराब था तो मैं जोर से बोला एक काम करो सवा सौ रुपए जमा करा दी वो खड़ा रहा शांति से बिल्कुल शांति से खड़ा रहा फिर वो धीरे से बोला लेकिन पंडित जी आपने तो कहा था कि सही बोलने पर क्षमा कर दो सच्ची घटना है बिल्कुल। मुझे एकदम याद आया कि यदि इस बच्चे को हमने अभी पनिश कर दिया सवा सौ। तो नौ सौ विद्यार्थियों में यह संदेश चला जाएगा कि गलती करने के बाद सत्य मत बोलना जब देवी भी देगा सवा तो सवासों के गद्दे फाड़ जाएगा पंखे खराब कर जाएगा वो तोड़ जाएगा स्विच बोर्ड नहीं नहीं रियल कह रहा हूं जिनवाणी सामने मैंने उसे सॉरी बेटे, जाओ बेटे माफ किया वो हमारे कमरे से ऐसे निकला जैसे कल नरेंद्र मोदी निकलेंगे ऐसा <laughs> 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 निकला अब वो सब बच्चे तो ऊपर से देख रहे थे उसको बालकनी में खड़े खड़े सब देख रहे थे क्या होता है अब वो तो खुश खुश निकला शाम तो को दो चार बच्चे आए हमारे भाई तो तो यहां से हम भी तोड़ देंगे और क्या देंगे मैंने बेटा बिल्कुल तोड़ देना और कह देना तुम्हारा सत्य बोलना मुझे सौ दो सौ पांच सौ हजार नहीं दस लाख रुपए करोड़ रुपए से बड़े कीमती हैं तुम सत्य बोलो और गलती करो जाओ और मैं रियल कहता हूं मेरे यहाँ राम राज्य था राम राज मेरे पूरे कमरे में कभी ताला नहीं कहीं कोई ताला नहीं सब चीजें पड़ी रही जहां के अब आज दिन तक की बात है किसी ने एक कील का नुकसान नहीं किया समझ में आया सत्य और दोष के ढकैया बच्चे भी हमें बताएंगे मैं बिल्कुल सबसे कहता हूं मेरी गलती हो है मैं कह रहा हूं मैंने अपने पूजनी पंडित साहब को मेरे सैकड़ों दोस्त बताए हैं प्रवचन करने संबंधी आपको नहीं मैं खुद लिखता हूं। मेरे से कितनी गलतियां होती हैं मैं भावुक हूँ बहुत जल्दी बोल जाता हूँ सोच नहीं पाता आगे पीछे बिल्कुल यहाँ तक तो तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ मैंने पंडित साहब को सारे दोस्त बताए हुए पंडित साहब ने मुझे बहुत समझाया बड़े प्रेम से बहुत, बहुत सारे सुधार कराए हैं अभी भी मैं यही सोचता हूँ कोई मेरी आलोचना करता मुझे कभी दुख नहीं होता क्यों सही बताऊं मैं बिल्कुल शास्त्री नहीं हूं मैंने सेवेद भी बहुत कम अटेंड किए जीवन में मेरी पढ़ाई में और नौकरी में ऐसा समय चला गया यदि मैंने पाठशाला नहीं पढ़ाई होती क्रमिक क्रमिक पाठशाला तो शायद जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिलता मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं केवल पढ़ाने से मैं मैंने इतनी गलतियां की हैं इतनी गलतियां की हैं मेरे आदरणीय पूज्य विद्वानों ने टोक टोक करके मुझे कहा भैया गलती कर रहे हैं अन्ना जी ने टोका युगल जी बाबू जी ने टोका सब ने टोका धीरे धी, सुधार होता चला गया सुधार होने के बाद आज भी गलतियां है, होती हैं अब मुझे इस बात की खुशी होती है कोई मुझे द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता नए चक्र इन पर नहीं टोकता कोई अभी खुशी है मैं कहता हूं इस पर कोई मुझे कहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि पर्याय में तुम्हारी यहां गलती हो रही जो स्वभाव में तो यह गलती हो रही है मैं इस सुख क्षमता पे तो बिल्कुल सुनने तैयार दूसरी प्रतिज्ञा है किसी को नीचा दिखाने से हमारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा नहीं होगा कभी नहीं होगा हाँ गलती अपनी है उसे स्वीकार करने से मिटेगी गलती दोष के ढकैया क्या गजब है कितना सुंदर पर उपकारी है पर उपकारी है। परोपकारी हैं समझ गए परोपकारी हैं अब इसकी चर्चा पूरी करने का तो बहुत समय चाहिए फिर भी एक बढ़िया पॉइंट बताता हूं आपको तुम जिसे परोपकार समझते हो उसे जैन शासन में परोपकार नहीं कहते इंद्रियों का उपकार उपकार नहीं है इंद्रियों का उपकार उपकार नहीं है पहले नंबर समझो सारी दुनिया के कोई व्यक्ति जो परोपकार नहीं करते वो हमारे मुनि भगवंत करते हैं हमारे ज्ञानी गुरु करते हैं वे कहते हैं तेरी देह छूटने की चिंता नहीं है तेरे मरण की चिंता नहीं है तेरे रोग की चिंता नहीं है हमें तेरी चिंता है जल्दी समझ गए कुछ नहीं समझे क्या कहा मैंने समझ में आया कुछ बहुत फेमस दृष्टांत है हमारे जिनागम में रेगिस्तान में एक प्यासा तड़पता हुआ आदमी धूप में पड़ा हुआ था धूप में और प्राण बिल्कुल कंठ में थे मैंने निकलने वाले थे और वो कह रहा था पानी पानी प्यासा हूं तीन दिन का भूखा हूं पानी भोजन और वहां दिगंबर पधारे उनके कमंडल में प्रासुक जल है लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं सुना नहीं सुना कि वो पानी मांग रहे एक बार भी कमंडल की ओर नहीं देखा उसे उसकी शुद्धात्मा का बोध कराया सारी दुनिया के उपकार पहले पानी तो पिलाओ यदि इसका अंतिम समय हुआ तो पानी पी करके भी मर जाएगा और यदि अंतिम समय हुआ और शुद्धात्मा का वेदन करके मरेगा तो पानी का जीव नहीं बनेगा मेंढक नहीं बनेगा मछली नहीं बनेगा कम से कम स्वर्ग तो जाएगा बताओ पानी पिलाना ज्यादा बड़ा काम था यह शुद्धात्मा का बोध कराना बड़ा काम था ये है परोपकार हमारे यहाँ भैया हितोपदेशी की परिभाषा कौन बोलेंगे बच्चों में से हितोपदेशी की परिभाषा बहुत प्यारी परिभाषा है बाल में सावास बहुत बढ़िया खड़े हो जाओ शाबाश बोलो बोलो हितोपदेशी हाँ वाह 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 क्या बात है दस का नोट देना भैया इसको बहुत बढ़िया शाबाश हाँ बीस को दे दिए आप अभी नहीं बात दे दिए हाँ बहुत बढ़िया है जो पॉइंट पॉइंट बहुत पॉइंट मैंने भी ध्यान नहीं दिया था पंडित साहब ने दिखाया अपन भी पलट लिए परीक्षा दे ली सब कर लिया पंडित साहब ने बड़ी सभा में हमें बताया सुमत आत्महित का उपदेश देने से जो हितोपदेश है बोले मैं कह रहा हूं आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं सब लोग कहते हैं पंडित जी को हमसे बड़ा बात चल रहा है तुम्हें तो एक आध घटना सुनाओ बात चल रही अरे एक बार हम गए तो उन्होंने लड्डू खिलाओ एक बार हम गए तो हमने बढ़िया तक डरवा दो हमारे लाए पंखा लगवा दो पंखा तो नहीं लगवाओ लगा जी लोग <laughs> लेकिन जिसने भी कहा हितोपदेशी में जे कहा पंडित साहब जी की बातल्य में उन्होंने हमारे शरीर का बड़ा ध्यान रखा बड़े एकदम उठ गए भाई ये कब आए कैसी आए बैठो कैसी है श्वास कैसा है पंडित साहब बोले ये सब मिथ्यात की पहचान है हम तुम्हारे लिए इसका नाम बाल्य नहीं है बासल को मालूम क्या कहते थे पंडित साहब जो करुणा से आत्मा के दोषों को मिटाए और रत्नत्र शील और समाधि से मंडित करे इसका नाम बासल है बासल बोलो बासल बासल बोलो सम्यक्त शील और समाधि पैदा कर दे जी बासल है बेटा जी पांच रुपये और ये पंडित जी बहुत बढ़िया पांच रुपया मोड़ा मोड़ियों दस के बीस मिल गए और पंडित जी बहुत बढ़िया अरे दस बीस रुपया तो कछ्छू नहीं है इनके ऊपर तो तीन लोग की दौलत नहीं हो दे ये भाभी भगवान है हमारे ये तो मैंने ये तो सीखा बस विमल जी से विमल दादा झांझरी जी से धवल है ना धवल उज्जैन का वो उनके एक रुपया से बड़ा था <laughs> वो छोटे थे धवल वहां पर क्या नाम रखते सुनील धवल क्या नाम उसका सुनील नहीं है जम्बू जम्बू धवल जम्बू धवल छोटा होंगे छोटे बाल बहुत पढ़ते होंगे एक दिन संयोग से रविवार के दिन उसमें बैठ गए वो प्रवचन में बच्चे थे छोटे से तो दादा की तो आदत है बिमल दास की बच्चों को प्रमोट करते बेटा श्रद्धा तम मेरा नाम याद है क्या हो सुना झट एक को नोट उस जमाने में एक को नोट एक को नोट बहुत तो <laughs> बोले उस एक नोट ने मुझे ने दादा का शिष्य बना दिया फिर तुम्हें प्रवचन में आने लगा बैठने लगा वो दादा तो प्रमोट करते ही है आज की तारीख में के -के -पी -पी का सिवर संभालने में संचालन में उज्जैन की सारे युवा संभालने में कितना बड़ा रोल है बस उस दिन से मुझे प्रेरणा मिल गई कि जब तक अपने पास भी है कछु <laughs> अभी इतने प्यारे प्यारे बच्चे क्या सुन रहे हैं भैया जी कितने कठिन विषय सुन रहे हैं हमें तो ये लग रहा है सुन तो रहे ऊँग तो नहीं रहे ऊंगा तो नहीं है बहुत बढ़िया पर उपकारी हैं आत्मा का हित का उपदेश देते हैं आत्मा के दोष मिटाते हैं हा हा रत्नगढ़ साहब का चाहिए इतना बढ़िया लिखा है दोषों के होने का अचंबा नहीं लिखा है दोषों के होने का अचंबा नहीं है अचंबा तो यह है कि दोषों को मिटाने के लिए तुम ध्रुव घाय भगवान आत्मा नहीं अनुभवती कैसी प्यारी प्यारी भाषा लिखी है कैसी प्यारी भाषा साहब का की मीठे बोल बोल को कछु मोल ना ही लगे <laughs> मीठे मीठे बोल बोल बोलवे जगत के जीवों को पामरता का बोध करा दे ऐसे बचन तो हर कोई बोल देता है क्या कहा क्या कहा जीवों को पामरता का बोध करा दे नीच दुष्ट पापी नाग ऐसा तो हर कोई बोल देता है। धन है जो पामर में भी प्रभुता का बोझ जगा दे ऐसे वचन बोलने वाले धन है। जे हैं पर उपकारी आगे पढ़ना भैया सोम दृष्टि आगे अब तो पढ़ो एक लाइन पहले से फिर अबे तो सही में आज के दिन तो घड़ी रोकना चाहिए तभी हो पे अभी कहीं हो नहीं पाने हमें <laughs> लज्जा बंत गुणग्राही गरिष्ठ सबको इष्ट गरिष्ठ गरिष्ठ और सबको इष्ट जा पे ज्यादा बोले गुणग्राही तो समझते थोड़े बहुत हम हमारे हिसाब से तो नहीं समझाते गुणग्राही भी समझाना पड़ेगा हमें क्योंकि जैसे तुम गुणग्राही समझते हो वो तो हल्की बात है समझते हो तुम जो मैं फिर कह रहा हूँ इसकी बहुत टीका करने की जरूरत है तुम गुणग्राही क्या समझते हो जी अच्छो गात है हम भी गान लगे जी मुझे गुणगुनाई है मेरे से पंडित साहब ने कहा कक्षा लेने जा रहे हो दोपहर में हमने कहा बोले तैयारी कर ले। पंडित साहब बोले हमने तो क्या तैयारी कर ले इस सात तत्व तो तो का विषय लेना जे जे दृष्टान देंगे ऐसे ऐसे जाएंगे। अरे जे नहीं पंडित जी बोले जे नहीं जे तो हर कोई बता देगा हमने तैयारी कर ली जे तैयारी करो अच्छे से नहीं बोल पाएंगे तो भी प्रसन्न लौटेंगे भाषा वर्णा के करता हमने वह <laughs> भी भागन आएगा अपन उनको सोच करके नहीं समझा पाएंगे हम उनपे दबाव नहीं डाले हैं मानो सुधरत नहीं हो होने मत देना नहीं देना तुम अपनी प्रभुत्व मत दिखा दे फिर ना अपना क्षेत्र ज्ञान से उन्हें दीन मत कर देना तैयारी समझ गए समझ गए वेद ज्ञान की तैयारी वेद विज्ञान की तैयारी अच्छा प्रवचन हो जाए तो तुम खुश मत हो जाए अच्छा भी हुआ तो दिव्य ध्वनि ही अच्छी थी इसमें हमारा क्या है हमेशा याद दिलाते थे, थे बाबू भाई जी की पंडित साहब बाबू भाई जी कहीं भी प्रवचन करते थे उनका बहुत सम्मान होता था हिंदी प्रांतों में वे एक ही बात कहते थे हाथ जोड़ के इसमें हमारा कुछ नहीं है हम तो वो क्या बोलते हैं? गुजराती में डाकिया को टपाली हम तो पूज्य गुरुदेव श्री के टपाली हैं हम तो उस फैक्ट्री का इतना सा माल लाए हैं और यदि आपको आना है तो भैया सोनगढ़ पधारो बाबू भाई जी की वजह से विमल दादा झांझ जी, जी का परिवार जोड़ा है सोनगढ़ से विमल दादा झांझ जी, जी का परिवार विमल दादा तो बाद में जुड़े फूल चंद जी को लगे थे वो प्रेरणा कर करके और उस समय तक दादा नहीं जुड़े थे फूल चंद जी के आग्रह पे एक आग्रह पे मक्सी पार्सनाथ में आकर प्रवचन किए थे कहाँ से जुड़े लोग कहाँ से ये तो विरोध कर वे गए थे दादा विरोध था था। करने गए थे आगम विरुद्ध है ऐसा उनको लगता था आगम विरोध है तो इसलिए गए रह पूजन हो रही बढ़िया अच्छी दर धोल रही धोई दोपट्टा पहन रहे प्रक्षात पूजा कर रही और बढ़िया प्रवचन हो रहे तब एक दो महीने रुके शुरू में बाद में तो फिर पूरा जीवन ही बदल गया कहा घटना याद आती मुझे तो गुणग्राही का समझ गया गुणग्राही ऐ सभी लोग ध्यान से सुनो बेटे शास्त्री लोग तो बहुत ही ध्यान से सुनो बहुत ही ध्यान से सुनो कोई अच्छी शैली से बोले तो शैली का गुण नहीं ग्रहण करो जे गुण ग्रहण करो इस शैली का विषय कितना सुंदर है शैली तो कुछ भी हो सकती है विषय कितना सुंदर है उस विषय के ग्रहण कर मैं इन जैसा लेखक बन जाऊं ये निदान नाम का आर्थ ध्यान है आर्थ ध्यान है ना आर्थ ध्यान के चार वेद मैं इन जैसा भक्त बन जाऊं इन जैसा प्रभावशाली बन जाऊं इन जैसा त्यागी बन जाऊं इन जैसा इन जैसा गायक बन जाऊं लेखक बन जाऊं ये निदान नाम का आर्थ है। so no, जैन शासन में लेखन बड़ी चीज नहीं है गायन बड़ी चीज नहीं है ये तो मैं अभी ज्यादा नहीं कहना चाहता बहुत खराब शब्द है इसके लिए ये तो बेस्या को भी प्रकट हो जाते हैं गायन लेखन नाचना गाना इस तो संगीत इसमें क्या है अरे अरे आपको बात माल इसको कही थी एक बार मैं को भरी सभा में कही थी याद आ रही कुछ मैं याद दिलाता हूँ दादा ने इसको भरी सभा में बेटा विधान कराने जाता था गाता था ना उस समय एक बात कही थी भरी सभा में मैन मुझे तुझे गड़धर के रूप में देखना है गवैया नहीं देखना पूछ ले बेटा ये कहा बेटा <laughs> हमने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया हमने इसलिए पढ़ाया तुम तो इसमें इसमें डूबो इसमें डूबो और तब से बहुत विरक्त है दादा की उस दिन की वो छोटी सी बात इसके लिए लगी इसने अपना जीवन बदल दिया बहुत विधान करना नहीं जाना इधर उधर जाता था पंडित साहब के चरणों में चला गया बहुत बढ़िया बढ़िया बात है बड़ी खुशी की बात है तो गुणग्राही में समय ना गुणग्राही का अर्थ यह है इन जैसे हम भी पैसा कमा लें इन जैसे हम भी रसोई बना लें बहुत होता है महिलाओं में एक दूसरे को देख लो ऐसी स्वेटर हम बनाए ले दो उल्टे दो सीधे <laughs> अरे जे गुणगुनाई थोड़ी है। इसको तो की कला कहा है लौकिक कलाओं को सीखना सिखाना अनुमोदना करना ये मोक्ष मार्ग नहीं है निगोध का मार्ग है हमें ये नहीं सीखना सिखाना हमें इस मामले में फेमस नहीं होना सारी दुनिया विरोध करे और फिर भी हमारा ज्ञान कला उद्योग हुए कल पढ़ा था मैंने हमारा ज्ञान कला का उद्योग कैसा ज्ञान कला का उद्योग कोई को याद हो तो बोलो हमने बोला था ज्ञान कला का उद्योग का अर्थ किया था दो बार हाँ बोलो अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक अनुभव में आया आहा मैं धन्य हो गया लिखा है हजारों मूर्ख फॉलोवरों से अच्छा हजारों मूर्खों के गुरु बनने से अच्छा है एक समझदार का शिष्य बन जाए लाखों फॉलोवर हो जाएंगे मैं इनको लुटेरा समझता हूँ मैं अपनी बात कह रहा हूं तुम्हारी नहीं कह रहा हूं। मैं लुटेरा समझता हूं मेरे पास भी थोड़ा सा प्रभाव इस तरह का बोलने का था ना एक नाम नहीं ले रहा हूं उन्होंने बड़े प्रेम से मेरे से एक बात कही पंडित जी दो महीना की छुट्टी में आप हमारे आ जाओ तुम्हारे सबरे मोड़ा मोड़ी सुधर जाए पहली बार सुना था ये बात कि मैंने मुझे इतनी दुख हुआ इतना गुस्सा आया दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया मैंने कहा तुम मोड़ा मोड़ी पैदा करो और तुम बिगाड़ो हम सुधारे रियल कह रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल मुझे जब अब किसी ने भी मुझसे कहा ना हमारे बच्चों को सुधारने आजा मैं नहीं गया जब कोई ये कहे पंडित साहब हमें आपका समागम करना है हमें लाभ लेना है हम लोग कब लाभ लेंगे तो मुझे अच्छा लगता है मैं राजकोट इसी शर्त पर गया था पहली बार जिंदगी में राजकोट गया था सुमन भाई जी मेरे कमरे में आए थे और वो इत्र लगा के पहनते ना कपड़े खुशबूदार तो पहन के आए थे और मेरे से बोले कि इस बार दस लक्षण आपको राजकोट आना है तो मैंने हाना नहीं करी वापस चले गए मैंने इन लोगों से आपस में बात करी कि मैंने कहा भैया राजकोट आधुनिक जगह है महिलाएं लिपस्टिक लगाती होंगी पाउडर क्रीम और आधुनिक कपड़े मेरा तो उपयोग ही नहीं लगे प्रवचन करने में इनसे बात कर रहा था मैं तो उनने पूछा सुमत जी का क्या विचार है राजकोट का तो फिर वही बात उनने वहां बता दी कि वहां आधुनिक लोग होंगे इत्र सब तो दूसरे दिन सुबह सुबह रात को उन्होंने वो धुली धुलाई धोबी की धुली हुई ड्रेस पानी में निकाल के सुखाई कुर्ता और टी शर्ट कुर्ता टी शर्ट वो क्या कहलाया पजामा और टी शर्ट और दूसरे दिन पहन के हमारे कमरे में आए वो बोले सुमत जी द्रव्यन युग तो हमने बहुत सुन लिया हमें चरणान युग सुनना है। शब्द बता रहा हूँ हमें रत्नगण साहब का चार सुनना है आपसे और जो आपने कही है वो गलती वहां नहीं मिलेगी देखो मैं कहा उन्होंने मैंने कहा अब मैं आऊंगा मैं जानता था कि वहां मुझे छाना हुआ पानी का भी पता नहीं लगेगा लेकिन मैं आऊंगा मैंने उसी समय कह दिया मैं आऊंगा मैं दस दिन रहा मैंने अपना पानी भोजन सब बनाया हम भाइयों ने सबने कोई बात नहीं है मैं स्वेतांबरों के बीच में गया हूं मैंने कहा को, कोई बात नहीं तुम अपने लिए बुला रहे हो तो मैं अपनी रसोई बना के खाऊंगा लेकिन मैं आऊंगा दुनिया में मुझे कोई भी बुलाएगा मैं जरूर जाऊंगा लेकिन अपने लिए बुलाओ यदि तुम इसके लिए बुला रहे हो चार रोटी खाओ और चार घंटा बोलो छह घंटा मेहनत करो तुमने हमें मजदूर समझ रखा है मैं मोक्ष मार्ग हूं मजदूर नहीं हूँ मैं रियल कह रहा हूँ भरी सभा में कह रहा हूँ गुणग्राही समझ गए का अर्थ तो बहुत गहरा है हम गुणग्राही का मतलब ही नहीं समझते हम भी आप जैसे प्रेस करके सीख जाए हम भी आप जैसे नौकरी मिल जाए अरे क्या है निदान बंद है सोचना बहुत अच्छा सोम दृष्टि बहुत प्यारा शब्द है सोम दृष्टि सोम सोम माने सोमवार नहीं सौम्य भाव सौम्य भाव सम्यक दृष्टि का सौम्य भाव होता है उत्तेजित नहीं होता है उत्तेजित नहीं होता है सौम्य भाव होता है बस इसी चीज से समझना आप सौम्य भाव का क्या मतलब होगा थोड़ा सा अपन साम्य भाव से ले सकते हैं इसका बढ़िया अर्थ शब्द तो, तो बहुत है गहरा भाव भी बहुत आ रहा है लेकिन मेरी घड़ी में आठ अड़तालीस हो गई और मैं इसमें से गरिष्ठ और समझाने की इच्छा रख रहा हूं आप कहो तो गरिष्ठ और इष्ट समझा दू और नहीं तो बंद भी कर सकता हूं बंद तो मैंने कर ही दिया बोलो भाई गरिष्ठ सुनने की दीक्षा होगी गरिष्ठ क्या सो होगी गरिष्ठ लड्डू सुनो गरिष्ठ रबड़ी सुनी <laughs> गरिष्ठ जी गरिष्ठ कैसा है पढ़ने जैसा है बढ़िया जिसके जीवन में गंभीरता के साथ साथ भजन हो भजन कोई बात कहे तो सन्नाटा मच जाए शांत रस में ऐसे बोले सब शांत होके सुनने लगे उसके बचन गरिष्ठ गरिष्ठ का मतलब समझते हो दूध तो सारा इतनी सारी और घी इतो सार समझ गया क्या जो दूध इतो छाछ इतनी और घी रबड़ी मावा गरिष्ठ हो गया गरिष्ठ समझ गए ज्ञानी में लज्जावन करे न कोई से बात जब कोई बाए टोक दे ये तो मंद मंद मुस्कान मंद मंद मुस्काए फिर धीरे से कछु कछु बोले अपनी पावन वाणी में अध्यात्म की घोले सब लोग कर रहे वो धीरे से बोले कल जैसे बहुत अच्छा बोला था गरिष्ठ एक लाइन में मजा आ गया था सुन कर के अपन सब महिमा कर रहे थे अर हम पाठशाला हो हो बढ़िया 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 आगे बढ़ा आगे बढ़ा और जे कह रहे थे अभागो का सौभाग्य बिल्कुल <laughs> बहुत अच्छी ऐसी लंबी दुली भाषा बोल देना बहुत सरल है कुछ तो अभी गरिष्ठ बोलना गरिष्ठ का मतलब है सार्थक बोलो, सार सार बोलो मैं तो नहीं देना चाहता लेकिन देना भी चाहता हूं का करी क्योंकि जो गरिष्ठ है वो सबको इष्ट है आगे लिखा इष्ट सभी के प्रिय सभी के प्रिय इसकी तो घटनाएं बहुत याद आ रही हैं लेकिन अभी गर... अभी तो नहीं तो सुनाऊंगा इष्ट की गरिष्ठ की सुन लो एक गरिष्ठ प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं जो आजकल कल पढ़ा रहे हैं ना आजकल वो क्या भाव भाषण और क्या करते प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवनोपयोगी पर... <laughs> और जीवनोपयोगी गरिष्ठ सुनाता हूँ एक अपन पढ़ते थे इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग सुन रहे सभी लोग प्रेसी राइटिंग हिंदी में कहते हैं संक्षिप्तकरण ये हमारे पांचों साल के कोर्स में होना चाहिए रोज माने सरल दृष्टान जल्दी समझ जाओगे मेरी बात एक आदमी बेद के पास गया बेद के पास अब रोगी को कम बोलना चाहिए और बेद की ज्यादा समझना चाहिए लेकिन कछु ऐसे मूड हो तो मूड हाँ भाई क्या हाल चाल है अरे क्या बताए अच्छे खासे आते पच्चीस दिन पहले हवा लग गई सो हम सो गए फिर जग गए फिर एक दिन आ भाग गए सोन के तो भजिया खा ले फिर डकार सी आई फिर हमें थोड़ी जलन भाई, इतनी दिखा फिर वहां से वहां फिर वहां से रेल पकड़ तुम ऐसे आ गए अब जा लेने देने इतनी लंबी छोड़ी बकवास बिल्कुल लेकिन बहुत लोग मिलेंगे ऐसे तुम कह रहे तुम फोन पे शुरू हो जाओ जाने कहां से कहां से कहां फिर फ्री में कान खराब करो समय खराब करो शक्ति खराब करो उपयोग खराब करो बर्बाद करो और और, और, अरे और और होता है? वहां जो कहने होती पहले ही कह दे तो इस मामले में आप कभी बात करके देखना सोनू भैया अखिल अमाइन पंडित साहब के निर्देशन में सबसे शॉर्टकट कर बात करने वाला व्यक्ति करके देख लेना आप आपने जरा और और कछु करी तो बंद कर ही बन, कर देती बंद फोन ही बंद कब फालतू नहीं तुम्हें बात इतनी पॉइंट टू पॉइंट बात करो सब लोग लिखो बेटे एक एक सेकंड कीमती है मानस भाव का अनर्थ दंड मत करो ये बकवास 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 तुम्हें तो समाचार देखना देख लो सही कहूं तो एक मिनट में समाचार देख सकते हो फर्स्ट क्लास जो तुम्हें जानकारी लेनी है लेकिन इसके बाद है? मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों सब लोगों से कह रहा हूं बड़े प्रेम से तुम लोगों की शिकायत हमें टाइम नहीं है और मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास टाइम तो बहुत है रेलगाड़ी में मोबाइल चलाने वाले स्वाध्याय करो रेलगाड़ी में भी देख लो आप बिल्कुल सड़क पर खड़े जाओ प्लेटफॉर्म पे और वो विंडो निकलेंगी देख अच्छा देख लो विंडो में से सब दिख जाए क्या गरिष्ठ बोलना सीखना हो संक्षिप्त बोलना सीखना हो जैन शासन का अध्यात्म आ जाए, सार आ जाए, अकर्ता भाव आ जाए अभोक्ता भाव आ जाए गुरुदेव सिंह की वाणी सुन के देखो क्या सार बाणी निकलती है सार मैं गुरुदेव सिंह जी के हजार एग्जाम्पल दे सकता हूं नाचोगे आप नाचोगे सुनाऊ एक एक सुना देता हूं एक नाचोगे नाचोगे गुरुदेव की वाणी कितनी गरिष्ठ थी हजार हजार याद आते पॉइंट एक ही सुन लो राजकोट में प्रवचन चल रहे थे अलिंग ग्रहण के और गुरुदेव श्री ने पहले दूसरे बोल के कम से कम बहुत प्रवचन किए बहुत बड़ी घोटाई करी उसकी जब दो बोलो पे इतनी घोटाई हो गई आप देखना प्रवचन बहुत बढ़िया है उसके सो एक व्यक्ति से मैं पूछा अब अब गुजराती में बोलूंगा है पहले वो गुजराती में बहुत मजेदार है वहां से एक व्यक्ति ध्यान रखना गुरुदेव श्री का इतना पुण्य प्रताप था कि कोई की ताकत नहीं थी उनकी सभा में प्रश्न पूछने शाम को अलग से लिख लिख के थे तब होती लेकिन एक एक विद्वान जो थोड़ा बोल सकते थे उन्होंने एक प्रश्न किया बड़ा सुंदर प्रश्न ध्यान से सुनना बिल्कुल लंबा मैं करूंगा समझाने के लिए उसने इतना सा पूछा साहब साहेब आ ना मड़ी हो तो प्रश्न कितना था साहेब आ ना मड़ी हो तो अब मैं आपको समझा रहा हूं आप काय को बुराई कर रहे हो पांच इंद्रियों के बिना अपनी क्या हालत होती आंख नहीं होती तो क्या होता कान नहीं होते तो कैसा लगता आज मंदिर जाते हैं अपन पैर अच्छे हैं सुन रहे हो हाथ से अपन भगवान का अभिषेक करते हैं ना मिली होती तो ये उसका कहने का पूछने का भाव था प्रश्न आ गया सबको साहेब आ ना मड़ी हो तो कितना छोटा प्रश्न है और गुरुदेव ने एक सेकंड नहीं लगा एक सेकंड गुरुदेव हम में से कोई बोलता तो सही बात है भैया ऐसी बात नहीं व्यवहार से तो मिली है व्यवहार से तो इनका उपकार है महिमा है बात तो सही है इसी से अपन मोक्ष मार्ग लगते हैं हम घुमा फिरा देते निश्चय व्यवहार का नाम लेके गुरदेव श्री ने निश्चय व्यवहार का नाम नहीं लिया उनका उत्तर सुना आ, आ, मरी होती तो सिद्ध होती ये ऐसा उत्तर मैंने सच कहता हूं किसी विद्वान से पूछ के देख लो आप नहीं मिली होती आगे एक प्रश्न आया उसी में आगे तो फिर मिली क्यों लालू भाई जी ने पूछा तो फिर मड़ी सु मड़ी सामाटे मिली क्यों गुरुदेव बोले मिली कहा बताओ उत्तर कौन देगा कौन देगा ये उत्तर मिली कहा है गुरुदेव का अत्यंत अभाव का अरे जोर मैं सच कहता हूं क्या नाचा हूं मैं अकेले में रोमांच आप गुरुदेव को पढ़ के देखो कदम कदम पर क्या माल है ये है गरिष्ठ ऐसे हजारों प्रसंग नहीं लाखों नहीं पढ़ो अनुसंधान करो भैया और जीवन धन्य करना तो गुरुदेव को ऐसे पढ़ो जो लोग सोचते ना मैं कह रहा हूँ तो कुछ सोच के कह रहा हूं। कि मैं नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता का मतलब है मैं घंटे वो घूमता है मेरे दिमाग में बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ और मैं आप सबको हमेशा सब प्रेरणा करता हूँ पढ़ो जो गुरुदेव को नहीं पढ़ सकता सच कहता हूँ अभी भी कहता हूं हूँ नहीं पढ़ोगे तो जैन शासन का मर्म हार पहचानने में बहुत दूर रह जाओगे ओम नमस्ते